ये शिव कुमार दलपते, दलपते राइट जी। अब आप अपनी दूसरी बात पे आ गए हैं। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने ढेर सारे शास्त्र लिखे हैं, अग्नि की वर्षा कैसे की जाए, इसका कैसे किया जाए, वर्षा कैसे होगी, अग्नि कैसे होगी, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। हम केवल वेदों तक सीमित हैं, हमारे ऋषियों के द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं उनके आधार पर अब हमको वैदिक शिक्षा करना होगी। हमारी वैदिक शिक्षा जो है वो हजारों किलोमीटर में फैली होगी, ऐसे विश्वविद्यालय होंगे और उन हजारों एकड़ों में फैले गए हमारे विश्वविद्यालय के स्वामी जी को जमीन पे उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने पे एक पैसे का बोझ नहीं आएगा। जो जमीन है वो किसकी होगी? कृषकों की। उस जमीन को औने पौने दामों में अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, उसके मालिक कौन बने रहेंगे? किसान। और किसानों को हम ऑनर्स क्लब का सदस्य कहेंगे। और ये यूनिवर्सिटियां जो हैं ये करोड़ों डॉलर्स कमाएंगी और उसका जो अंशदान है वो उन किसानों को मिल जाएगा। ऐसे अद्भुत होंगे और इन यूनिवर्सिटीज में हजारों डिपार्टमेंट्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है ना प्रयोगशालाएं होंगी जी। और इन कंपनियों के लिए भी जो है वहीं पर ट्रेन करके रिसर्च करके टेक्नोलॉजी भी और आदमी भी दोनों प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा। भारत अद्भुत था, वो तो मैंने इसलिए कहा ना कि 1130 से पहले जो हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो वैदिक शिक्षा पद्धति गुरुकुल थे, उसको तो तोड़ा लॉर्ड मैकाले ने। इंडियन भारत में आना शुरू हुए, यानी ये सबसे पहले मैकोनिया। एक मिनट गुरुजी, थोड़ा सा मैं आपको संशोधित करूंगा। इसका जो ऑथेंटिक आंकड़ा है कि इसको ठीक ढंग से जो अध्ययन किया वो लॉर्ड मैकाले ने किया जी। और उसी ने इस बात के बीजारोपित किया कि यदि हमें भारत पर लंबे समय पर शासन करना है तो हमें इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है। और उसके तहत लॉर्ड मैकाले ने जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया है हम उसी से ही अभी चल रहे हैं। हमें सबसे पहला काम करना होगा इंडियन एजुकेशन एक्ट को बदल कर वैदिक शिक्षा अधिनियम लाना होगा, जिसमें, और ये कोई अकेला वेद और पुराण और पंडितों का घोषणा नहीं होगा, जिसमें सभी डिपार्टमेंट होंगे, सभी शास्त्रों का अध्ययन होगा, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी कि भारत इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिना पर विश्व गुरु बनेगा। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के भाषण से विश्व गुरु नहीं बनेगा।